और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें, लाइक करो और चैनल शेयर करें, चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हैं एक शानदार सफर पर जो चमोली से और चोपता तक जाएगा। तो मैं इस टाइम खड़ा हूँ चमोली में कुछ दूरी पर, तो कुछ पहाड़, सुंदर सुंदर पहाड़ आप देख सकते हैं। सफ़र तो काफ़ी अच्छा रहा, मौसम भी बहुत अच्छा है। एक शानदार व्यू, कुछ चिड़ियों की चहचहाट और अखरोट के पेड़। मैं आपको अखरोट दिखा देता हूँ, थोड़ा ऊपर है, पास होता तो आपको दिखाता जरूर। तो कुछ इस तरीके की भी घास मिल जाएगी यहाँ पर, सुंदर घास। ये केदारनाथ में ज़्यादा होती है घास और काफ़ी हरा भरा है यहाँ का वातावरण। गोपेश्वर में हम जाएंगे, 10-15 मिनट लगेंगे गोपेश्वर जाने में। अब हम यहाँ पर हैं चमोली में अभी, तो अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं। यह है चोपता ट्रैक शुरुआती क्षण, और बताया गया है कि 4 किलोमीटर है और ये इस तरह का ट्रैक है। बाबू ये देखो बैठ गए फिर से। चला चलो, अब हम अपने ट्रैक को कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत तेज़ और ठंडी हवा का सामना करना पड़ रहा है, और जब ट्रैक करते हैं हम तो हम अपनी बॉडी को गर्म करते हैं, और रुकना तो ऐसे मान के चलो फ्रिज में बैठ जाना होता है, तो रुकना तो है ही नहीं। तो हम बिल्कुल लास्ट पड़ाव पर हैं, बिल्कुल चंद कदमों की दूर, और यहाँ पर श्रद्धालु बैठे हुए और एक चैन की सांस लेते हुए, काफ़ी सैलानी तो नहीं कह सकते, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, लेकिन आसानी से दर्शन हो जाएंगे। और समय हुआ है 12:50 और 12:50 हम 11:30 पर नीचे चोपता से चले थे,
जो एक शानदार ट्रैक था। और ये हमारा छोटा बाबू अखंड और भाई साहब ने हमें लिफ्ट दी, इनके लिए आपको थैंक यू। देखो दोस्तों, और ये एक चैन की सांस लेते हुए और सब खुशी के ठिकाना नहीं है। केदार यात्रा बहुत बढ़िया हुई, अब तुंगनाथ यात्रा बहुत अच्छी हुई। अच्छा, कैसा महसूस हुआ आपने दर्शन कर लिए? एकदम आनंद, बहुत अच्छा, आपको अच्छा लगा। भाई साहब को सैल्यूट है जो इतनी ऊपर हमें ये सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, धन्यवाद। दोस्तों बिल्कुल करीब मंदिर के, और एकदम व्यू पॉइंट भी बहुत ही सुंदर, वहाँ हिमाच्छादित पहाड़ और एक शानदार नज़ारा, और हम बिल्कुल मंदिर के एकदम ही करीब, और यहाँ पर प्रसाद भी मिल जाएगा, सब तरह की सुविधा है खाने पीने से लेके। और ये 4 किलोमीटर का हमने अभी आपसे बात की थी, तो 11:30 पर वह वहाँ से चले और लगभग 1 बजने वाला है और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। नीचे हमें किसी ने बताया कि तुम 2.5 से 3 घंटा लगेगा, लेकिन हमने लगभग 1.5-2 घंटे में मान के चलो पूरा ट्रैक कंप्लीट कर लिया है, और बिल्कुल एकदम हम मंदिर के करीब हैं, और एक मन में शांति और उत्साह, ये एकदम अच्छा महसूस हो रहा है। और हमें ग्लेशियर देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर पिघल गए हैं, और सुंदर प्रसाद की दुकानें इधर आप देख सकते हैं, और बिल्कुल हम मंदिर के करीब, आपको शिखर दिख रहा होगा। मंदिर का अब बोलो ओम नमः शिवाय। और अभी कपाट बंद हो गए क्या? हैं? 1:30 बज गया क्या? आधा घंटे बाद खुलेगा। और क्या कितने बजे? अच्छा, मंदिर हो गया है बंद, तो हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इतना हम भी रिलैक्स कर लेते हैं। ये देखिए, और इधर एक शानदार पर्वत, और नीचे आपको देख सकते हैं आप ट्रैक कितना लंबा है, और वहाँ है चोपता, चोपता इतनी दूर है और आपको दिखेगा नहीं, लेकिन और ये शानदार एक मंदिर, सुंदर शिला, और ऊपर देखो बना हुआ एक शेर का परिदृश्य। और ओम रवे नमः, एक दो तीन चार, बादल की घटा छा गई है। ये देखिए बादल, और हम हैं तुंगनाथ मंदिर के अंदर दर्शन कर रहे हैं। इधर श्रद्धालुओं की काफी बड़ी लाइन है, अब हम नीचे चलते हैं बारिश आने का। ये है नदी और सामने है मंदिर द्वार, और इधर यात्रियों की लाइन लगी हुई है, और हम चलते हैं नीचे क्योंकि चारों तरफ कोहरा सा छा गया है, और क्योंकि ये कोहरा नहीं है, ये एक जीते जागते बादल हैं, और हम जा रहे हैं नीचे की ओर अपने चोपता और बाबा तुंगनाथ का शिवलिंग का अच्छे से दर्शन हुआ, और अब चलते हैं नीचे की ओर। तो यहाँ पर पूरे में यहाँ पर जितना हरा हरा हो रहा है, इसमें आपको सारे में ग्लेशियर नजर आएगा। पापा,
वेलकम टू ब्लॉग गुड्डू अमरोहा। और अब आए हैं नीचे, हमारी बहन इंतजार कर रही है, तो अब टाइम हुआ है यानी कि 4:31 हुए हैं, और यानी कि हमने 11:30 बजे से ट्रेक किया, 11:30 बजे या फिर 12 बजे के आसपास, यानी कि कंप्लीट टाइम बताया, कंफर्म टाइम बताऊं तो मैं 11:40 पर ब्लॉकिंग ट्रेक स्टार्ट किया, और हमने ये 4:31 पर कंप्लीट कर लिया है। बाबू और खुद ही चढ़ गया है महाराज जी, आशीर्वाद साधुवाद। ले बेटा, ले बेटा, अच्छा फिर तो बांध दूँगी, खा लो तो प्रसाद जी से तुमने क्या खा लिया। प्रसाद खाया और एक आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई, बैठे हैं जो आनंद ले रहे हैं सफर का, सुकून भरी जिंदगी जैसी लगी, आनंद और सभी तरह के वो मुख्य द्वार है। अभी भी कुछ लोग वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन ये समय जाने के लिए उचित नहीं है,